सो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं एक ऑटोमोटिव ब्लॉग्स। सो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको अपकमिंग मारुति सुजुकी एक्सल 6 फेस लिफ्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड मेक श्योर, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी न्यू वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर जाए। और आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप हमसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल नीचे फ्लैश हो रहा होगा। तो आइए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इंडिया में एमपीवी सेगमेंट में अपनी दो शानदार कारों का जलवा बिखेर रही मारुति सुजुकी जल्द ही इनका फेसलिफ्ट अवतार पेश करने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ मारुति की किन कारों की बात हो रही है, तो आपको बता दें यहाँ मारुति अर्टिगा और मारुति सुजुकी एक्सल 6 की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर इनके फेसलिफ्ट वर्जन यानी मारुति अर्टिगा एक्सल 6 फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाली है, जो कि बेहतर लुक और फीचर से लैस होगी। यहाँ बताना कंपलसरी है कि मारुति एक्सल 6 को अर्टिगा वाले प्लेटफॉर्म पर ही बनाया गया है। हालांकि इसकी मजबूती ज़्यादा और इसकी वजह से यह लुक और प्राइस में भी अर्टिगा के मुकाबले बेहतर है। हाल ही में 2022 मारुति अर्टिगा एक्सल 6 फेसलिफ्ट के टेस्ट मॉड्यूल की झलक देखने को मिली थी। इसमें पता चलता है कि अपकमिंग मारुति एमपीवी में रिवाइज्ड फ्रंट के साथ ही नया बम्पर और अलॉय देखने को मिलेंगे। वहीं इंटीरियर की बात करें तो इसमें नई अपहोल्स्ट्री के साथ ही लेदर सीट, लेदर रैप्ड स्टेयरिंग व्हील, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और स्टाफ सॉफ्ट टच वाली प्रीमियम रूफ लाइन देखने को मिलेगी। अब इसके इंजन पावर और फीचर्स की बात करें तो अपकमिंग मारुति अर्टिगा एक्सल 6 फेसलिफ्ट के इंजन और पावर में इसमें मौजूदा एक्सल 6 की तरह ही 1.5 लीटर K15V स्मार्ट हाइब्रिड इंजन देखने को मिलेगा, जो 103 bhp की पावर और 138 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करेगा। इसमें 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ ऑफर किया जाएगा। इस एमपीवी के फीचर्स की बात करें तो इसमें वॉइस कमांड और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कीलेस एंट्री, ऑटोमेटिक एसी, पावर एंड टिल्ट स्टीयरिंग, सनरूफ, डुअल एयरबैग्स, एबीएस, ईबीडी, रिवर पार्किंग कैमरा और सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, सिक्योरिटी अलार्म और हाई स्पीड अलर्ट के साथ कई स्टैंडर्ड और सेफ्टी फीचर देखने को मिलेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने सजेशंस भी हमसे शेयर करें, ताकि हम आगे उन पर वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सकें। और इस चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। सो वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स। स्टे सेफ एंड हेल्दी। वी आर अ हेलमेट वाइल राइडिंग एंड वी आर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। सो मिलते हैं ऐसे किसी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एके ऑटोमोटिव ब्लॉग्स।